सवेरे 8 बजे के लिए पेट में प्लॉट पड़ गई हैं एथी गाड़ने के लिए पल एथी बैनर, तो वहाँ पर हाथापाई हुआ और हाथापाई हुआ तो 4 गोटा मिलकर गाड़ी पर बैठा ली ज़बरदस्ती। तो हम सब आगे से लड़कन था तो गाड़ी पर अटैक भी किए हैं, तो डायरेक्ट मेरा मोबाइल लिया, मोबाइल बंद कर दिया और लेकर चल गया बिहार से पिले को उन्हें ये चोर में। क्यों हुआ जमीन के मैटर में ऊपर आके ऊपर बोलिस ना कि आपका जमीन के फर्जी है, कागज़ फर्जी है। किससे आप ये बोला? हमसे बोला कि वो ऐसा बोला कि आपका कागज़ फर्जी है, नाम नहीं जा उन लोग पहचानते हैं बाकी नाम फोटो से आ, तो वो बोले कि तुम्हारा फर्जी है इस मैटर में हट जाओ नहीं तो तुम्हें क्या एथी कर देंगे। जमीन कहाँ पे? जमीन था सरकारी स्कूल के पीछे, अगमकुआ थाना पड़ता है। ये मामला कब का है? ये मामला हो गया मैक्सिमम 1 महीना के लिए पेट में मेला हुआ था। जमीन पर 1 महीना पहले? नहीं पहले भी हुआ था। अच्छा। फिर कुछ लोग रह गया कुछ नहीं, साल भर के बाद फिर इधर करने लग गया था चार। अच्छा। तो हम सुन गए बैनर एक बार लगा हुआ था तो कबार के फेंक दिया था, फिर दूसरे लगाने के जा रहे थे। बार बार हो रहा था, आप लोग उसको जानते होंगे? हाँ, वो बोलता कि तुम्हारा जो कागज फर्जी है। आज क्या मामला हुआ? और वही वहाँ पर पंचोर में लेकर चल गया और वहाँ मोबाइल ले जाकर बंद कर दिया और वहाँ बोलिस कि थाना वाला फ़ोन किया हमको तो बोलिस कि तुम कहाँ हो, तो बोलिस कि सिटी में तुम बोलना, तो हम सिटी में बोलते थे। तो फिर नंबर पर फ़ोन किया, उसी के नंबर पर फ़ोन किया था एक कोई अथी कोई प्रशासन फ़ोन किए थे वहाँ पर उनका मोबाइल पर। हाँ, तो वही बोलिस कि ठीक है तो ऐसा काम करो तुम मोबाइल मेरा बंद था तो फिर मोबाइल चालू किए हैं तो सबसे पहले मेरे बड़का पापा कॉल किए हैं तो वहाँ स्पीकर पर लेकर बात किए हमसे। तो मारपीट भी की गई है? हाथापाई हुआ था बस, और वो रहा था कि नहीं थी करेगा ना तो श्री पूजन जी का बेटा क्या श्री पूजन जी के उठवा लेंगे और कल घर पहुँचेंगे, वो ऐसे बन बोल रहा था। वो सन 6 गोटा बोला है जैसे जमीन हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है, करीब आज 60 बरस हो गया लगभग। क्या नाम है? रामेश्वर महतो, हरि महतो चचा का नाम है। अच्छा। और ये लोग जो है फर्जी रसीद का डाली है, हम रसीद इसका पेपर जांच भी कराए, फर्जी भी इसका है। तो बोर्ड गरवाने के लिए हम इसको भेज थे कि जाओ तुम बोर्ड गरा देना कि ज़मीन बिक्री का नहीं है, गर जाएगा तो कोई इसमें ग्राहक जाएगा नहीं। इसी क्रम में इसको क्या किया कि रास्ते में से उठा लिया और उठा करके ले कर चला गया। कौन उठाया? ये सुरेश शर्मा है, सुरेश शर्मा। यह है भेटगांव बाड़। हाँ, एक और है बिक्की नाम का लड़का है, पैजावा में रहता है। ये था और 5-6 और आदमी था इसमें। शक है इस पे कि यकीन है आपको? नहीं, पूरा घर पर आके धमकी भी दे करके गया था ना। एफआईआर हुई है? हाँ, थाना में अभी तो था, हो गया है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो अभी आज की है। वो हाँ आज की, आज अपहरण हुआ है तब की है। कितना बजे हुआ आज अपहरण? करीब लगभग 8:30 लगभग, 8:30-9 ऐसी लगभग। ब्राह्मण कहाँ से हुआ, किस वक्त हुआ? ब्राह्मण हुआ जब यहाँ यहाँ से करीब लेके चला गया था सोसराय से। सोसराय से हम लोग कंटिन्यू इससे कांटेक्ट में थे। कांटेक्ट करने के बाद इसे जब बात हो रही है कि कहाँ पे हो, कभी ये सिटी स्टेशन बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि हम दिघा तरफ हैं, कभी बोल रहा है बाढ़ के तरफ है, जबकि हमारे साथ अगमकुआ थाने के फोर्स थे, हमारे साथ बाईपास थाने के फोर्स थे। सारे रहने के बावजूद भी वो हम लोग को तो घुमा ही रहा था, साथ में प्रशासन को भी घुमा रहा था। फिर जब हम लोग इससे बात किए, जब प्रशासन की तरफ से किसी का फ़ोन गया उनके पास, तब जा करके वो लोग, जब हम लोग बिक्की जी को उठाने के लिए गए हैं, जो बिक्की जिनका नाम आ रहा है इसमें, उनके घर पे जब हम लोग उठाने के लिए गए हैं प्रशासन के साथ कि ये इनके घर हैं इनको उठाइए, तब जाके पता चलेगा कि कहाँ पे है नहीं है। जब उसके घर पे हम लोग चढ़े हैं तब जाके इसको रिलीज किया गया और इसको रिलीज भी किया गया। अगर वो किडनैप नहीं होता तो ये बिना पैसे का बाढ़ घूमने क्यों जाएगा? इसका लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारे SP साहब भी बोले हैं कि वो किडनैप नहीं हुआ, वो कहीं अपनी मर्ज़ी से घूमने गया। अगर अपनी मर्ज़ी से घूमने जाता तो हम लोग रोड जाम क्यों करते? और अगर किडनैप नहीं होता तो उसके गाड़ी का शीशा क्यों टूटा? गवाह के तौर पे यहाँ पे कम से कम सैकड़ों आदमी मौजूद हैं जो देखे हैं कि इसको उठा के लेके गया। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन देखिए, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है, हम उसके कार्रवाई पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, मगर जो कार्रवाई होना चाहिए वैसा नहीं है। कार्रवाई ये है कि आज अगर मान लीजिए अभी हम लोग इतना दौड़ धूप किए, रोड जाम किए, उसके बाद हम लोग को ये बरामद हुआ, अगर हम लोग नहीं करते तो पिछले बार की जैसे
पता नहीं क्या होता। पहले भी यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसको किडनैप किया गया, उसके बाद उसका डेथ भी हत्या कर दिया गया है। हाँ, एफआईआर किया गया है, एफआईआर किया गया है, नाम दिया गया है उसमें, जो जो इसमें संलिप्त हैं उनका नाम दिया गया है। और सुरेश शर्मा है, बिक्की है, और भी राजेश बोल के हैं, तीन चार आदमी हैं वहाँ पे। क्या मांग करते हैं? बरामद हो गया बच्चा, बरामद हो गया तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे अभी जो अपर पदाधिकारी का जो आया है बयान कि ये किडनैप नहीं है, वो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं। आज हम लोग बुला करके जो ये बयान दिलवा रहे हैं, ये बयान दिलवाने का यही मकसद है, ये किडनैप हुआ है, ये घूमने नहीं गया था। तो हाथापाई हुआ तो और हम जबरदस्ती गाय पर बैठाइस, अब हम लेकर चल गया तो फिर सब लड़का ने अत्याचार आधा आधा चलाइस, फिर हुआ वहाँ जाकर बोलिस कि तुम ऐसा सब बोलना, तुम बोल रहे। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। कहाँ पर हादसा हो? क्या चीज़? कहाँ पर यह हादसा हुआ? कहाँ पर ये काम हुआ जो उठा के ले गया? ये सरकारी स्कूल के पीछे से। कौन सा थाना? अगम कुआं थाना। हाँ बोलिए, अगम थाना। रिपोर्ट थाना में कितने बजे आप लोग किया? हम तो है ना, ले गए मोबाइल बंद कर दिया, मेरा सीधे मोबाइल बंद कर दिया और ऑन करने के लिए नहीं दिया हमको मोबाइल। हेलो, कितने बजे रिपोर्ट कर लो?